फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको पुराने कपड़े और चावल की बोरी से पायदान बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, मेरे पास ये आटे का बोरी वो है प्लास्टिक, तो मैं इसकी पहले कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग कर रखी है, तो मैं इसकी आपको नाप बताती हूँ स्टेप से कि मैंने ये कितना रखा है। इधर से 19 इंच और एक साइड से हमने इसको 12 इंच, ये पायदान की शेप में मैंने इसे काट लिया है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार, जितनी भी आपको चाहिए, छोटा बड़ा इसे कर सकते हैं। तो ये मैंने काट लिया है इस तरीके से, और इसके बाद मैंने पुराने कपड़े लिए हैं प्लेन। आपके पास कैसे भी कपड़े हो, प्लेन हो, प्रिंटेड हो, कैसे भी कपड़े हो, आप उनसे इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका 2.5 इंच चौड़ाई में इन्हें काट लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है इस तरीके से। और इस तरीके से मैं पट्टियां काट लूँगी स्ट्रेट बिल्कुल, तो मैं इनकी सबकी इसी तरीके से स्ट्रेट पट्टी काट लूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है, इसे मैं बराबर कर लूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा एक साइड से बड़ा छोटा है। तो आप इसी तरीके से सभी कलर की कतरने काट लें। तो इसी तरीके से देखिए, मैंने बहुत सारी ये काट ली है, और कम पड़ेगी तो मैं और भी इसकी कटिंग कर लूँगी, फिलहाल मैंने इतनी ही कटिंग की है। इसके बाद इस तरीके से हम प्लास्टिक को लेंगे, और इसमें बिल्कुल किनारे पर हमें इस तरीके से इसे रखना है, और यहाँ पे मैं सिलाई कर लूँगी इसकी। तो देखिए, मैंने सिलाई कर ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने काट लिया है, तो इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद हमें दूसरे कलर का कपड़ा लेना है। आप कोई भी कलर का इसमें कपड़ा लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो इस तरीके से हमें सिलना है और इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। तो इसे भी मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए, इसके बाद मैंने इस कलर का ये कपड़ा रखना है उल्टी साइड में, फिर इसे सीधी साइड हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने उल्टी और इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। फिर अब हमें इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगानी है इस तरीके से, और दूसरा कपड़ा जोड़ते जाएंगे हम इसमें। देखिए, इसे इस तरीके से पलट लेंगे, फिर इसमें एक और जोड़ेंगे। इसी तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे। आपके पास अगर प्लेन कपड़ा नहीं है तो आप इसमें प्रिंटेड कपड़ा भी लगा सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं इसे। इस तरीके से फिर इसे इस तरीके से हम पलट लेंगे। तो देखिए, मैंने इतना कर लिया है। मैं इसके ऊपर इसे लगाऊंगी ब्लू कलर का, और इसमें भी इस तरीके से सिलाई करके इसे भी इस तरीके से सीधा पलट लूँगी, और उसके बाद मैं इस पट्टी को लगाऊंगी। ऐसे आपको लगाते रहना है और इसमें जोड़ते जाना है।
इसके बाद इसे जोड़ेंगे। अगर आपके छोटे बड़े होते हैं तो इसमें मैंने जॉइंट भी लगाया है, जैसे मैं इसमें भी जोड़ लगाऊंगी क्योंकि ये लंबाई में छोटे पड़ रहे हैं, तो इसमें मैंने जॉइंट भी लगाया बीच बीच में। और आपको इसी तरीके से इसे बनाना है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये, बहुत आसान तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। देखिए, और जब बाद में हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे, जो साइड से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे लास्ट में। इसी तरीके से मैंने इसे पूरे में लगाया है और इसको बनाया है। और मेरे चैनल पर आप सिलाई की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से सिलाई करना सिखाया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सिलाई की वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम पायदान को बना लेते हैं। देखिए मैंने बना लिया है, यहाँ इसे इस तरीके से पलटेंगे और ऐसे ही हम पूरा इसे कर लेंगे। तो मैं इसे आपको पूरा बनाने के बाद दिखाती हूँ कि पूरा इसका जो है, जब पूरा बन जाएगा किनारे तक हम इसे जोड़ लेंगे इसमें, तो ये किस तरीके से लगेगा। और इसके बाद हमें क्या करना है इसके आगे, इनको भी मैं जोड़ लूँगी इसमें सबको। तो देखिए मैंने पूरा जोड़ लिया है ये पूरा लास्ट तक। और अब जो ये एक्स्ट्रा साइड का, मैं इसे कटिंग कर लूँगी इसकी। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे और एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद आप इसके पीछे चाहे तो कपड़ा भी लगा सकते हैं या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। मैं इसके पीछे इसमें कपड़ा लगाऊंगी एक, आपके पास कोई भी कपड़ा हो वो आप इसके पीछे बैक साइड में लगा लें। तो देखिए ये मैंने जो है इस तरीके से रखा है, और इसके ऊपर ही मेरे पास पुराना कपड़ा था तो इसे मैं इसमें लगा लूँगी और इसमें किनारे किनारे इसकी सिलाई कर लूँगी और एक्स्ट्रा कपड़े को काट लूँगी। तो मैंने इसमें जो है सिलाई लगा ली और एक्स्ट्रा कपड़े को भी काट लिया है। और इसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसे हमें इस तरीके से एक साइड से सिलना है। एक साइड से हम इसे उल्टी तरफ से हमें सिलना है और सीधी तरफ को हमें इसे पलट के सिलाई कर लेनी है इसमें। और ऐसे ही मुझे दूसरी साइड भी करनी है, दोनों साइड हम इसे लगा लेंगे। और देखिए मैंने दोनों साइड लगा लिए हैं और इस साइड भी हमें दो साइड बचे हैं, तो दोनों साइड भी मैं इसी तरीके से लगा लूँगी पाइपिंग। मैं आपको चारों तरफ पाइपिंग लगाने के बाद दिखाती हूँ इसका लुक कैसे दिखता है ये। तो देखिए ये हमारा पायदान बनकर तैयार है। और आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और घर पर ज़रूर बनाएं इसे। ये बहुत ही आसान और घर पर ही कपड़े और आटा बैग से बना सकते हैं आप। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।